नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक सूचना लेकर आए हैं जो रेलवे ने सूचना अपडेट की है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रेलवे का फॉर्म फिल किया है, असिस्टेंट्स लोको पायलट टेक्नीशियन और ग्रुप डी का, जो रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी। तो जिन अभ्यर्थी ने ये फॉर्म फिल किया था तो रेलवे ने छटनी की प्रक्रिया शुरू की थी, तो क्या उन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है, तो इसकी सूचना रेलवे ने जारी कर दी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे का वेबसाइट है, तो आप यहां से अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं, यह ALP और टेक्नीशियन का लिंक है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों तो बता देते हैं आपको, आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया उस स्टेट का चयन करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको चुन के दिखा देता हूँ डेमो। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद नीचे एक सिक्योरिटी कोड दिया है, आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे सूचना भी दे दी जाएगी। देखिए यहाँ पे करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है। विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर फ्यूचर अपडेट, यानी भविष्य में किसी भी रेलवे की इस भर्ती से संबंधित सूचना के लिए आपको इनकी वेबसाइट देखनी होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आप ग्रुप डी का भी चेक कर सकते हैं, मैं ग्रुप डी का भी लिंक दे दूंगा और इसका भी लिंक दे दूंगा, आप दोनों का फॉर्म लिंक के माध्यम से चेक कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तरीके की सभी कैंडिडेट्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।